उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस इलाके में आकर सीमांचल में बहुत कुछ ऐसी बातें कह गए जिससे लगा कि बीजेपी आखिरी कोशिश कर रही है कि ध्रुवीकरण हो। तो यहाँ का स्थिति रात में बदलती है, जो जो भी बीजेपी को हराएगा उसके तरफ हम लोग एक तरफा जाएंगे। बीजेपी 10 लाख इंजेक्शन तैयार किया वो नौकरी के नाम पर, हम इंजेक्शन बोलते हैं, और भाजपा ने 19 लाख इंजेक्शन तैयार किया, दोनों मिला के 27 लाख इंजेक्शन हो गया। ये कोरामीन का इंजेक्शन किसको पड़ेगा? नौजवानों को पड़ेगा, नौजवान पागल हो जाएगा, गाजा चार तफीम पी करके रोड पर दौड़ाएगा, ये कोरामीन का इंजेक्शन है। बिहार में बदलाव का पूरा चांसेस है। क्या कहते हैं आप? मैं कुछ नहीं कहूँगा, वह पतंग उड़ेगा, आप भी उड़िएगा उसमें। आज के नौजवानों को चाहिए हाथ में कलम और किताब, और उवैसी जी नौजवानों को हाथ में हमारा है तलवार। की पार्टी हमारी जो है MIM जो आप बोल रहे हैं, उसकी सोच भी वही है, पार्टी का नाम भी वही है, सब कुछ वही है। आप कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 72 साल है। तो मैं भी चचा बोल सकता हूँ, मैं आपसे छोटा हूँ। ये उवैसी जी ने गलत ट्रेनिंग दी है। अब ये 24 सीट पर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उवैसी साहब हैदराबाद से आकर के, क्या सरकार बना लेंगे? जो चाहते हैं कि MIM की सरकार है, क्योंकि MIM की, अरे भाई MIM की सरकार कैसे आएगी? चुनाव लड़ रही है MIM 17 सीटों पर, अररिया पूर्णिया कटिहार और किशनगंज मिलाकर 17 सीट में 17 जीत भी जाएं तो भी 222 चाहिए, बाकी उनके सहयोगी BSP और RLSP हैं, तो सरकार कैसे बनेगी? सरकार बनने के लिए 122 सीटें चाहिए। वैसे कोई फैक्टर नहीं है किशनगंज में, हम महागठबंधन की तरफ झुकते हैं। महागठबंधन ने एक हमको जो है एक तरह से हमको जो हिम्मत दिया है। कहता हूँ कि जिनके आंगन में अमेरिका सजर लगता है उनका हर ऐप जमाने को हुनर लगता है। जंजीर किसने हिलाई मेरे खस्ता मकान की, देखना फिर कोई हालात का मारा होगा। दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की कि लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया। हैदराबाद से आए हैं या राजनीति करने? हम लोग कहीं कहीं पर जमा होते हैं कि एक वोट हम लोग BJP के अगेंस्ट में किसको दें, वही फैसला होता है जगह जगह कि हम लोग को किधर जाना। हिंदुस्तान में पार्टी है तो हिंदुस्तान के नाम से पार्टी होना चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस क्या है उनका, पता नहीं क्या नाम है, कोई भी आपको नॉन मुस्लिम जो है वो क्यों आएगा इसके साथ? जो बात मोहन भगवत बोलते हैं मुसलमान के खिलाफ, वो बात जो है उवैसी बोलते हैं हिंदू के खिलाफ, तो दोनों में अंतर क्या? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं किशनगंज के चूड़ी पट्टी चौक पर। चुनाव के आखिरी दौर का प्रचार खत्म हो चुका है, रैलियां बंद हो चुकी है, चुनावी प्रचार का शोर थम चुका है, अब मतदान होना है। मतदान के वक्त मतदाताओं के मन में क्या है ये टटोलने के लिए मैं किशनगंज में हूँ। किशनगंज वो इलाका है जहाँ 70% मुस्लिम आबादी है। सामने आप देख रहे हैं एक सेल्फी पॉइंट, जहाँ ये मतदाता सेल्फी पॉइंट है, कहा गया है हाँ मैं भी करूँगा मतदान। एक तरह से देखें बिहार विधानसभा आम चुनाव के पहले मतदाता जागरूकता अभियान के तहत ये लगाया गया है। अब सवाल उठता है कि अगर मतदान होता है, किशनगंज के लोग मतदान करते हैं, मतदान करते वक्त उनके जहन में क्या होगा? किशनगंज इसलिए अहम है, बहुत सारे साथी हमारे साथ हैं, बहुत सारे स्थानीय लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा, इसलिए अहम है कि सीमांचल का वो इलाका है किशनगंज जहां मुस्लिम बहुल आबादी है। साथ में ये कि सीमांचल के 4 ऐसे ज़िले हैं पूर्णिया कटिहार अररिया और किशनगंज, इन जिलों की 24 सीटों पर कौन जीतेगा, गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी, NDA को कितनी सीटें मिलेगी, और इन सब के बीच हैदराबाद से आकर कई दिनों तक कैंप करके जा चुके वापस असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, और इस चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं के लिए मुद्दे क्या होंगे। और ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस इलाके में आकर सीमांचल में बहुत कुछ ऐसी बातें कह गए जिससे लगा कि बीजेपी आखिरी कोशिश कर रही है कि ध्रुवीकरण हो। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा NDA की सरकार बनेगी तो एक एक को चुन चुन कर बाहर करेंगे, लेकिन जवाब किसी और ने नहीं, NDA के सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही दिया। नीतीश कुमार ने एक रैली में कहा यहाँ के जो भी लोग हैं हिंदुस्तान के वासिंदे हैं, किसी का दम नहीं, किसी की क्या मजाल कि किसी को बाहर कर दे। तो नीतीश कुमार ने इशारों में बिना नाम लिए योगी का जवाब तो दे दिया, लेकिन सवाल उठता है क्या ये कोई मुद्दा है यहाँ के लिए? वो इसलिए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी अपनी रैलियों में NRC का जिक्र करते हैं, अपनी रैलियों में BJP पर जितना हमला करते हैं उससे ज़्यादा हमले वो तेजस्वी पर भी करते हैं। इस बीच तेजस्वी यादव की भी रैली हुई,
सारे नेताओं का कैंप इसी इलाके में है, सीमांचल में। तेजस्वी यादव ने कहा आपको पता होगा कि वो आ गए हैं, वो आ गए हैं मतलब ओवैसी। साथ में तेजस्वी ने यह भी कहा कि अगर आप वोट देंगे उनको तो वो वोट किनको जाएगा आप सोच सकते हैं। इशारा उनकी तरफ था कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है। इशारा ये था कि मायावती के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे ओवैसी की निष्ठा संदिग्ध है। इन तमाम बातों के बीच यहाँ के मुस्लिम मतदाता क्या सोचते हैं, और जब मैं आप लोगों से बात करूँगा तो मैं ये भी जानने की कोशिश करूँगा ना सिर्फ किशनगंज बल्कि किशनगंज के आसपास मन मिजाज वही होता है, किस तरह से सोचते हैं, क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। साथ में ये बता दूं कि किशनगंज की जो सीट है लोकसभा सीट, वहाँ से कांग्रेस के सांसद हैं। किशनगंज से 7 या 8 बार मेरे ख्याल से कांग्रेस की सीट रही है विधायक के तौर पर। अभी यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है, अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को माने कांग्रेस की तरफ से यहाँ उम्मीदवार हैं और साथ में बीजेपी की तरफ से स्वीटी सिंह। अब इन सब के बीच क्या होना है, और ओवैसी की पार्टी ने यहाँ उपचुनाव में एक बार जीत हासिल की थी विधानसभा सीट पर, तो बहुत सारे लोग हैं चारों तरफ आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक। मैंने अपनी बात लंबी की और मैं आदतन इंट्रो में थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ क्योंकि देश में ज़्यादा बोलने वालों की आजकल ज़्यादा पूछ होती है, तो शुरू करते हैं कहीं से भी। बहुत सारी बातें कही गई जिसमें योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ मुद्दा उठाया, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, कहा चुन चुन कर बाहर करेंगे। बाकी नीतीश कुमार ने जो कहा वो मैंने कहा, ओवैसी ने जो कहा वो है। आप लोग जब मतदान करेंगे तो आपके जहन में क्या होगा, क्या मुद्दे हैं, क्या वही सब मुद्दे हैं जो रैलियों में जिन मुद्दों का जिक्र किया जा रहा है, या कुछ और है जो कहीं रैली में नहीं है आपके मन में? नहीं, मुद्दे जो बेसिक मुद्दा है वो जो अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेरोजगारी जो है पूरे देश में आज जिस तरह से कोरोना पूरे विश्व में फैली हुई है उससे ज़्यादा खतरनाक बेरोजगारी पूरे भारत में फैली हुई है। तो हमारे बच्चे जो पढ़ लिख करके बेरोजगार होते जा रहे हैं या इवन जो प्रोफेशनल कोर्स में जॉब कर रहे हैं वो भी अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि कब पता नहीं मेरी छटनी हो जाए। तलवार के धार पे हमारे यंग्स हैं, हमारे जनरेशन न्यू जनरेशन है, तो ये सबसे अहम मुद्दा है। लेकिन आप जानते हैं सर, इस पर बात हम 20 दिन से कर रहे हैं, अब आप जानते हैं चुनाव का आखिरी दौर है। जो ओवैसी अपनी रैली में कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, योगी ने कहा और नीतीश ने कहा, आप जानते हैं चुनाव में सिर्फ बेरोजगारी पर हर आदमी यहाँ खड़ा हुआ आदमी वोट नहीं देगा, तो थोड़ा और भी कोई मुद्दा है क्या? मुद्दा है अमन और शांति। जो शांति की बात करें, जो शांति से हम सबों को जीने दे, हम हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं, हम हिंदू मुसलमान सबों को जीने दे शांति से, हम वो एक अहम मसला है। और इस मामले में हम समझते हैं कि अभी जो प्रेजेंट में बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, इस मामले में उनका अहम रोल रहा है कि वो स्पेशली बिहार में इस तरह के हंगामा होने नहीं दिया। आप मानते हैं कि आप नीतीश कुमार के पक्षधर हैं, मैं मानूं कि आपका वोट फिर बीजेपी के लिए? नहीं, बीजेपी के लिए नहीं, तो यहाँ सीट बीजेपी की है, यहाँ किशनगंज बीजेपी की सीट है, लेकिन ऐसे सूरत में हम तो इसको बीजेपी को नहीं ये कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं इस जगह में थोड़ा फंस गए। चलिए तब तक आप सोचिए, क्या सोचते हैं आप? सर जैसे भाई ने बताया कि नीतीश कुमार के बनना चाहिए, तो नीतीश सर के बारे में, नीतीश चाचा के बारे में तो हम ऐसे भी जानते हैं जिसकी सरकार बनने वाली होगी सर ही आ जाएंगे, वो तो अपने पलटू चाचा हैं तो ऐसे भी आ जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे जो किशनगंज का इशू है, तो हम लोगों ने बहुत दिन से, जैसे मैं बाहर पढ़ा हूँ सिलीगुड़ी में, मुझे पढ़ने जाना पड़ा, तो यहाँ पर एजुकेशन के नाम पर कुछ भी नहीं किया। चाहे सर कांग्रेस को बहुत बार चांस दिया गया, तो इस बार हमारा जो हम जो चाहते हैं कि MIM की सरकार है, क्योंकि MIM के, अरे भाई MIM की सरकार कैसे आएगी, चुनाव लड़ रही है MIM 17 सीटों पर, अररिया पूर्णिया कटिहार और किशनगंज मिलाकर 17 सीट में, 17 जीत भी जाएं तो भी 222 चाहिए, बाकी उनके सहयोगी BSP और RLSP हैं, तो सरकार कैसे बनेगी? सरकार बनने के लिए 122 सीटें चाहिए। सॉरी टू से मैं MIM की सरकार बोल दिया, मैं किशनगंज में बता रहा था कि MIM किशनगंज में उनकी सरकार बन जाएगी, किशनगंज उनकी पार्टी जीते। चलिए ठीक है, समझ गया, मैं दूसरे लोगों से बात करता हूँ, फिर एक मिनट एक बात बोलूँगा। बोलना ये था कि किशन जैसे कि अभी बिहार में बदलाव का पूरा चांसेस है, बदलाव हो भी रहा है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री 15 साल से रहे हैं उन्होंने किशनगंज और सीमांचल को इतना ज़्यादा ठगा है सर कि यहाँ पे AMU पास है लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया AMU के लिए, एक फंड भी नहीं दिया। अभी राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो AMU के लिए फंड दिया। अभी तेजस्वी यादव आए तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो सीमांचल का आयोग बनेगा, सीमांचल के लिए अच्छा काम के लिए उसके अलग से आयोग बनेगा, तो हम क्यों ना इसको महागठबंधन को वोट दें? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार चल रहा है पूरे बिहार में, उसी को आगे बढ़ाना है। चलिए तो आपने आपकी बात समझ गया, आप क्या कहते हैं,
अब ऐसी स्थिति में एक तो एनडीए है जहां कुछ सीटों पर जेडीयू है, बाकी जहां है बीजेपी, जैसे किशनगंज में बीजेपी है, और दूसरा उसके बाद ओबीसी की पार्टी है और उसके बाद तेजस्वी है, और जहां गठबंधन में जो सीटें कांग्रेस को है वहां कांग्रेस उम्मीदवार है, जैसे किशनगंज में कांग्रेस है, तो आप किस तरह से सोचते हैं? देखिए, हिंदुस्तान का जो आवाम है अब सोचना अलग से करने लगा, अब वो हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया, CA हो गया आपको, 370 हो गया, अब इस पर सोचता नहीं है। अब हिंदुस्तान का अवाम, खास करके हिंदुस्तान का मुसलमान को 70 साल में बहुत ठगा गया, अब ठगने का फेर में नहीं है। अब मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान उसी तरफ जो जाएगा जो मुसलमान का बेहतरी के बारे में सोचे, उसके रोज़गार के बारे में सोचे, उसके खाने पीने के बारे में सोचे, उसके जशिकन के बारे में सोचे, जो आदमी ये पूरा करेगा वो उधर ही हम लोग सब जाए। वो सैद्धांतिक बात अच्छी है, लेकिन अब चुनाव में कुछ घंटे बाकी हैं, तो ये पूरा करके पहले कोई फॉर्म भर के देगा नहीं, तो अब क्या करेंगे? आप तो ये बताइए कि अब सामने जो स्थिति है उसमें आपके मन में क्या है? अभी जो स्थिति है किशनगंज की स्थिति है, तो यहाँ का स्थिति रात में बदलती है। जो भी बीजेपी को हराएगा उसके तरफ हम लोग एक तरफा जाएंगे। हम लोग की लड़ाई बीजेपी के अगेंस्ट में है। अगर कांग्रेस हराएगी तो कांग्रेस के तरफ जाएंगे, MIM हराएगी तो MIM के तरफ जाएंगे। लेकिन अभी कोई पता नहीं चलेगा, पता चले कल रात को कि हम लोग को बीजेपी को हराने के लिए किस पार्टी को मदद करना है और किसको जिताना है। एक बहुत अहम बात इन्होंने कही, एक बहुत अहम बात, ताली प्लीज, आप लोगों से आग्रह, कोई ताली मत बजाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद अली अंसारी हुआ। एक बात इन्होंने कही कि जो बीजेपी को हराएगा उसकी तरफ जाएंगे, ये मुस्लिम मन कहता है। अब सवाल ये उठता है, और साथ में ये कि एक रात पहले फैसला करेंगे, इसकी बहुत गुंजाइश है कि मतदान के एक रात पहले इन चार जिलों के मतदाताओं का मन कुछ दाएं बाएं हो सकता है। शक्ति परीक्षण में किसकी कितनी हैसियत है उसको देखकर, क्या माने ऐसे ही होगा? आप तो टोपी आपने ऑलरेडी लगा रखा है AIMIM, तो आपकी निष्ठा तो क्लियर है कि आप ओबीसी जी के साथ। जी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप हमारे दर्द दुख और हमारे तकलीफ़ को समझने आज चार समाज के बीच आए हैं, जिसके लिए मैं आपका तालियों से स्वागत करूं कि फूल माला से करूं, ये कम है। देखिए, ऐसा है श्रीमान कि हम लोग कांग्रेस के मुरीद थे। सन 1982 से हम लोगों ने कांग्रेस को बेतहाशा जीत हासिल करवाई, मगर हम लोग ओबीसी ना नेता है, ना MP है, ना MLA है। ओबीसी MP है भाई? नहीं भाई, नहीं MP नहीं है। क्या है? वो बालिस्टर है। गांधी जी के बाद अगर किसी ने पार्लियामेंट में अगर वो बिल को फाड़ा NRC का, तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी का लेजा था गुर्दा, वो दोनों किडनी मजबूत था उनका, जो उन्होंने पार्लियामेंट में गांधी जी के बाद संसद में बिल को फाड़ा। और किसी नेता को दिखा दीजिए। एक मिनट, गांधी से तो प्लीज तुलना मत करिए, गांधी कोई किसी धर्म विशेष के नेता नहीं थे। एक मिनट सुन लीजिए, गांधी किसी धर्म के नहीं थे, धार्मिक आधार। गांधी जी चुनाव लड़ते थे। एक मिनट, गांधी जी चुनाव लड़े? गांधी जी सीमांचल में कैंप किए, 5-star 3-star में बैठ के प्रचार किए? गांधी जी हेलीकॉप्टर से घूम के वोट मांगे? गांधी जी से क्यों तुलना कर रहे? आपके ओवैसी जी बड़े नेता होंगे, आप पहले उनको नेता भी नहीं मान रहे, बैरिस्टर हैं तो गांधी जी से तुलना कर रहे हैं, ये थोड़ा नाइंसाफी है। उनके अंदर आप ओवैसी जी को जितना ऊपर ले जाइए, गांधी जी को उतना नीचे मत लाइए। नहीं, गांधी जी हमारे राष्ट्रीय पिता है। गांधी जी हमारे राष्ट्रीय पिता, वो हमारे बापू है। मैं उनको श्रद्धा से प्रणाम करता हूँ और कोटि कोटि प्रणाम है। गांधी जी से कॉमेंट मैंने इसलिए किया कि संसद में बिल फाड़ने पर मैंने उनको उनसे तुलना किया। जी बिल्कुल, ऐसा महात्मा गांधी से नहीं किया गया ना, इन्होंने किया कि राहुल गांधी ने जो ऑर्डिनेंस फाड़ा था उसी तरह राहुल गांधी। नो, राहुल गांधी, महात्मा गांधी संसद में नहीं थे, बिल नहीं फाड़े। आपको पता ही नहीं है महात्मा गांधी? लीजिए बताइए। अरे भैया, कहाँ से कहाँ चले गए? अरे राहुल गांधी, ये ओवैसी जी ने गलत ट्रेनिंग दी है। नहीं नहीं, चलिए मुद्दे पर आते हैं, बाकी लोगों को शामिल करते हैं यहाँ। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? अब सवाल ये उठता है, जो बहुत सारे, जैसे तेजस्वी ने कहा अपनी रैलियों में कि वो यहाँ आ गए हैं और उनको वोट देंगे, तो किनको वोट जाएगा आपको पता है, और साफ साफ एक तरह से था कि अगर ओवैसी को वोट देंगे तो बीजेपी और जो उनके संगठन के बाकी लोग हैं, घटक दल हैं, वो मजबूत होंगे। इशारा मायावती की तरफ भी था, क्योंकि मायावती से गठबंधन। तो आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग यही सोचते हैं कि देखिए, ओवैसी साहब अगर सीट ले भी आते हैं,
जो 21-22 सीट में वो खड़े हुए हैं, तो वो सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं और ना उनसे जो है बिहार का जो है कुछ भला हो सकता है। रही बात बीजेपी और जदयू की, तो ये इससे लोग बहुत 15 साल तक जो है ऊब गए, अब जो है उनके मन में उनके लिए कुछ रहा ही नहीं, तो लास्ट में यही आ जाता है कि हम महागठबंधन की तरफ झुकते हैं। महागठबंधन ने एक हमको जो है एक तरह से हमको जो हिम्मत दिया है कि हम जब आएंगे तो आपको इतनी नौकरी देंगे, आपके लिए जो है AMU का जो है वो काम होगा, राहुल गांधी ने भी कहा है। तो इसीलिए हम लोग ने सोचा है कि बहुत दिन तक तो देख लिए हम बीजेपी को, तो खैर मुस्लिम जाते ही नहीं है बीजेपी की तरफ, रहा जदयू। मुस्लिम बताइए, शहनवाज हुसैन कैसे जीते थे, यहाँ से सांसद बने थे, मुस्लिम ने वोट दिया होगा, और ऐसे बहुत सारे उनको टेस्ट किए थे, उनको टेस्ट किए थे कि देखें ये क्या करते हैं। हम कांग्रेस तो इतने दिनों तक जो है हुकूमत करते हुए आई, लेकिन हम जानना चाहते थे कि बीजेपी क्या करती है हमारे लिए, लेकिन वो तो उससे भी बदतर निकले। लेकिन JDU ने जैसे 11 मुसलमानों को टिकट दिया है, 5 उनकी सिटिंग विधायक पिछले बार भी हैं, इस बार भी उन्होंने 11 मुस्लिम को टिकट दिया, क्या JDU की तरफ मुस्लिम नहीं जाएंगे जहां सीमांचल में JDU? देखिए वो इलाका देख करके मुस्लिम को टिकट दिए, वो जो है इलाका को देखे हैं कि यहाँ मुस्लिम कितने हैं और मुस्लिम का वोट हमको कितना मिल सकता है, और चूँकि जो टिकट लेता है वो ये नहीं देखता है कि हम जो है बीजेपी के तरफ से हैं, JDU के तरफ से हैं, कांग्रेस के तरफ से हैं, वो सिर्फ देखता है कि हमारा वोट कितना है इसमें। अच्छा, इसी वजह से जो है वो उसको जो है जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी लोग जो बोलना चाहें उनके पास। JDU से बड़ा कोई हम लोग का हमदर्द नहीं है। JDU अगर नीतीश कुमार अकेले आते तो किशनगंज का हर जनता उनके साथ होता, लेकिन वो बीजेपी के साथ आए इसलिए हम लोग नीतीश कुमार को भी नकार दिया गया है। अगर नीतीश कुमार अकेले आते, पार्टी अलायंस नहीं करते बीजेपी से, तो हर सीट JDU का रहता। और दूसरा ओबीसी कोई फैक्टर नहीं है किशनगंज में, किशनगंज के मुसलमान को हमेशा जोता गया है, इसलिए कि हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कांग्रेस के अलावा हम लोग कहीं देख नहीं सकते। ओबीसी के अलावा कोई थर्ड पार्टी भी आता तो उसको भी हम लोग ओबीसी से ज़्यादा नाम कमाता, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं था, जिसके कारण हम लोग ओबीसी की तरफ गया है। यहाँ का आदमी ओबीसी कोई फैक्टर नहीं है। अच्छा, आप क्या कहते हैं? हम लोग वो इसी में हैं जो सारे लोग गठबंधन के तरफ जा रहे हैं, ये चीज़ देखना पड़ रहा है कि नहीं। ये जो है 15 साल नीतीश कुमार को हम लोग ने देख लिया, अब यंग होना चाहिए जो मुसलमान के बारे में अच्छा सोचे, देश के बारे में, स्टेट के लेवल के बारे में अच्छा सोचे। हमको आपस में लड़ाई नहीं, बस ये हम समझते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम हम लोग, ये दे BJP के और ये दे जान। तो आपस में कौन लड़ा रहा है, किसकी बात कर रहे हैं? ये है RSS वाले हो या ये है BJP की जो है चार कास्ट में आते हैं, ये तो उनकी पार्टी के है, पिछड़ी जाति के नहीं है ये पार्टी। कमाल अहमद, छात्र आंदोलन का मैं नेता हूँ, 1974 से ये सब देख रहा हूँ। पहला सवाल हमारा ये है कि राजनीति के मामले में मोदी जी सेंट्रल में कब आए, 14 में, और वैसे भी 14 में यहाँ से आए। हमारे देश का राष्ट्रीय पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, और ओबीसी जी बना लिए हैं इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जमात की लड़ाई लड़ते हैं। तब ये बताइए, मोदी जी 14 में आए, ओबीसी जी 14 में आए, ये इलाका जमाने कदीम से कांग्रेस का घर रहा है। बीच में कुछ छूट फूट हुआ, मरहूम मुन्ना मुश्ताक साहब यहाँ को तोड़ करके MLA बने, और यहाँ महागठबंधन का लहर है, और इस बार एक भी वोट इधर उधर नहीं जाने वाला है, सारा वोट महागठबंधन को मिलने जा रहा है। तो ये अब मुसलमानों की तरफ से बोल रहे हैं ना, मुस्लिम वोट? मुस्लिम वोट की बात नहीं है, ये इलाका हमारा सेकुलर है, यहाँ हिंदू इलाका, मतलब किशनगंज की बात, किशन हमारा पूरा सीमांचल, सीमांचल की 24 सीट, कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज, कोसी अलग हो गया, पूरा जिला अलग हो गया, चार जिला। अब ये 24 सीट पर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ओबीसी साहब हैदराबाद से आकर के, क्या सरकार बना लेंगे? 24 सीट पर तो सरकार नहीं बनती है, 243 पर लड़ते अगर ओबीसी, तो उनके बारे में सोचा जाए। जहाँ जाते हैं, आज के नौजवानों को चाहिए हाथ में कलम और किताब, और ओबीसी जी नौजवानों को हाथ में थमा रहा है तलवार, ये कहाँ का इंसाफ है? हम बूढ़ा हो गए हैं, हमारा बच्चा जो है उसके हाथ में कलम होना चाहिए, किताब होना चाहिए। ओबीसी जी के लोग भाषण देते हैं कौम के दयुलो, ये अरबी लफ्ज़ है, दयुल का मानी होता है तलवार। हमारे नौजवानों के हाथ में चाहिए कलम और किताब, स्कूल, कॉलेज, मदरसा, ये सब उल्टा पुल्टा भाषण देकर हम लोग आपस में लड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को हम लोग बाइकाट करते हैं, कंडम करते हैं,
बस जय हिंद जय भारत अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम बताया, क्या क्या चीज वो कहते हैं कौम के? कौम के दयुलो। मैं कहता हूँ कि जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है उनका हर ऐप जमाने को हुनर लगता है। जंजीर किसने हिलाई मेरे खस्ता मकान की, देखना फिर कोई हालात का मारा होगा। दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की कि लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया। हैदराबाद से आए हैं या राजनीति करने है? हैदराबाद में उसका कितना MLA है, कितना MP है, समझे? तो वो यहाँ आए हैं 14 में, अब मोदी जी भी आए हैं 14 में साठ गांठ करके, दोनों मिली भगत में है। ओवैसी जी कम बैरिस्टर हैं, ठीक है, आप कौन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बहस करके कितने आसामियों को आज तक छोड़ाया हमको बताइए, हिसाब दिखाइए हमको। कहाँ गए, कहाँ गए ओवैसी जी के बैरिस्टर वाले? बुलाइए, हाँ बुलाइए, बुलाइए, हम निकल गए। करते हैं हम, ये जवाब देंगे। सर चाचा ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई, नो डाउट, बहुत अच्छी। लेकिन आप जैसे ये बोले ना, इनका कहने का मतलब है कि ओवैसी जो है मुसलमानों को समाज से अलग करके मुसलमानों के एक टीम बना रहे, ये कहना चाह रहे हैं ना चाचा? अब अगर यादव की पार्टी बनाए बहुत अच्छी बात है, जाट की पार्टी बनाए बहुत अच्छी बात है, कोई भी अगर अपनी इस टाइप की पार्टी बना कोई प्रॉब्लम, लेकिन जैसे ही अगर कोई मुस्लिम की पार्टी बनती है तो वो कॉमन फीलिंग है। ये क्यों, ये दोहरा मापदंड क्यों है? और ये अगर हमारे चचा हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा, मुझे इतना शेर व शायरी नहीं आती है, लेकिन मैं दुनिया घूम रहा हूँ। ये दोहरा मापदंड नहीं है, ये दोहरा मापदंड नहीं, नहीं है। सबसे पहले नाम चेंज करना पड़ेगा, हिंदुस्तान में पार्टी है तो हिंदुस्तान के नाम से पार्टी होना चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस है, क्या है उनका पता नहीं, क्या नाम है, कोई भी आपको नॉन मुस्लिम जो है क्यों आएगा इसके साथ, क्यों आएगा भाई? पढ़ा लिखा मुस्लिम से मतलब नहीं है सर, आप इंडिया में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुस्लिम नहीं, पढ़ा लिखा जो भी होगा ना वो कोई नहीं आ रहा है सर, आप जाके पता करें, सर्वे करें ना, नहीं आता है ना लोग, क्यों आएगा आपके तरफ, क्यों आएगा? जैसे ही आपकी छवि या हमारी छवि RSS और BJP के प्रति है, वैसे सेम जो एंटी जो मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम है वो यही सोच रखते हैं सर, सेम है बिल्कुल। अगर चाहे हिंदुस्तान में उनको पॉलिटिक्स अच्छा से करना है तो सबसे पहले तो नाम चेंज करके आए और सेकुलर बन के दिखाएं, भले जो यादवों की पार्टी हो जाट की पार्टी हो वो भले अपने ही कौम को देखते हो, लेकिन उनकी पार्टी उनकी सोच सेकुलर लेके चलते हैं। हमारी यहाँ जो आपकी पार्टी, हमारी जो MIM जो आप बोल रहे हैं, उसकी सोच भी वही है, पार्टी का नाम भी वही है, सब कुछ वही है, आप समझ लेना सर, कहाँ आप स्टैंड करते हैं? ये एक बात कहें चाचा के बिल्कुल, वो 100 साल की पार्टी है, सिर्फ 60 सीट पे, ओनली 7 सीट पे लड़ती है वो तेलंगाना में, यहाँ पे क्या है भाई 24 सीट पे आकर लड़ रही है, सबको पता है वो खराब कर रहा है काम। एक दो सीट वो जीत सकती है, ये बात माना जा सकता है, एक दो सीट में रेस में है, बाकी सीटों में 10,000-15,000 वो किसका वोट काटेगी? वोट क्यों काटेगी? वोट काटेगी सर, देखिए ये फैक्ट है, आप भी समझ रहे हैं। ये जो बात आपने बोला वोट काट रही है, वोट काट नहीं, वो अपना वोट ला रही है। ला कैसे रही है? वो तो बड़गड़ा रही है, लोग आज के डेट में नौजवान जो फेसबुक में है व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, उनके भाषणों को देख रहे हैं। अच्छा एक मिनट, मेरा नाम मोहम्मद जफर इकबाल है सर, मोहम्मद मजहर। अब ये अच्छी बात है कि आप दोनों ने ही आपस में बात की, जैसे इन्होंने कहा कि मुसलमानों की पार्टी है तो उस पर एतराज क्यों, अच्छी बात है, एतराज यही कर रहे हैं। इनका नाम संजय शर्मा, सुनील वर्मा और राजेश सिंह नहीं है, वो होता तो आप कहते हिंदू हैं, तो ये आप ही के समाज के लोग हैं। और ये जो हैं अब मैं तो ये आप लोग चचा बोल रहे हैं, मैं इनको बड़े भाई बोलूँगा पता नहीं, तो अब ये सब लोग आप ही के लोग हैं बिरादरी के, और यहाँ अलग अलग लोग अगर ये सवाल उठा रहे हैं तो ये सवाल उठा रहे हैं। अब इनकी बात आपने सुनी, आप क्या कहें? जो बात मोहन भगवत बोलते हैं मुसलमान के खिलाफ, वो बात जो है ओवैसी बोलते हैं हिंदू के खिलाफ, तो दोनों में अंतर क्या है? अब ये बताइए हजरत, आप पत्रकार हैं, दुनिया घूमते हैं, हर जगह का खबर रखते हैं, आज के नौजवानों को क्या चाहिए? हम लोग तो रिटायरमेंट हो गया है, कब्र पैर में लटक गया है। नौजवानों को चाहिए पढ़ाई, शिक्षा, अच्छा संगत, अच्छा माहौल, हाथ में कलम और किताब, नौकरी। और अब रहा सवाल कि हमारे बिहार में 12 करोड़ की आबादी है, कोई भी अगर आपको ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या 12 करोड़ आदमी को नौकरी दे सकते हैं? 10 करोड़ नौजवानों को नौकरी दे सकते हैं? 10 लाख आदमी को नौकरी दे सकते हैं? बहुत मुश्किल है, इसके लिए सोचना होगा, समझना होगा। हमारा यहाँ का राष्ट्रीय पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लिखा, लेकिन आज अच्छा अब ये बताइए एक सेकंड रुकिए, अब ये बताइए आप जो कह रहे हैं कि 10 लाख को भी, आप लोगों के पास भी आऊँगा, 10 लाख को भी नहीं दे सकते, बीजेपी ने 19 लाख रोजगार की बात की, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी बोल रहे हैं सब धोखा ही दे रहा है ना? सब धोखा है, चाहे वो RJD दे रहा हो, चाहे वो BJP दे रहा हो। 10 लाख इंजेक्शन तैयार किया वो नौकरी के नाम पर, हम इंजेक्शन बोलते हैं,
और भाजपा ने 19 लाख इंजेक्शन तैयार किया, दोनों मिला के 27 लाख इंजेक्शन हो गया। ये कोरामीन का इंजेक्शन किसको पड़ेगा? नौजवानों को पड़ेगा, नौजवान पागल हो जाएगा, गाजा अचार तफीम पी करके रोड पर बौड़ाएगा। ये कोरामीन का इंजेक्शन है। गजब बोलते हैं आप, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमाल अहमद खान साहब है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 72 साल है। तो मैं भी चचा बोल सकता हूँ, मैं आपसे छोटा हूँ, काफी छोटा हूँ। यहीं रुकिए, आप जाइएगा नहीं अभी, बाकी लोग आप कुछ बोलेंगे, बात करेंगे अपनी। सर मैं MIM का कोई और सपोर्टर है यहाँ ये? हाँ, तो कुछ बातें इन्होंने, एक मिनट आ रहा हूँ, कुछ बातें इन्होंने कही और ये कहा कि ओवैसी साहब आ रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश है। वही बात जो बीजेपी के नेता बोलते हैं हिंदुओं के लिए या हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, वैसी ही बात ओवैसी साहब मुसलमानों को एकजुट करने के लिए बोलते हैं, ऐसे कई लोग यहाँ कह रहे हैं और सुबह से किशनगंज में बहुत सारे लोग कह रहे हैं। क्या जवाब है इसका? सिर्फ मुसलमानों को एकजुट करके काम नहीं चलेगा ना, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो आपको तो सबको ले कर चलना चाहिए ना। सिर्फ आप कहिएगा कि हम सिर्फ एक वर्ग को लेकर के चलेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। चल रहे हैं ओवैसी साहब लेके? तकरीबन मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब नहीं लेके चल रहे हैं, चल रहे हैं। बहुत जगह से गैर मुस्लिम लोगों को भी जो मौका मिला है हाँ तो वो लेकर के चल रहे हैं, ऐसा तो महसूस हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है कुछ और समझ रहे हैं, बहुत लोग गलतफहमी में है जी। बाकी वो बहुत सेकुलर हिंदू मुसलमान की पार्टी है, पार्टी का नाम क्या कहता है उससे पता चलता है कि उसमें हिंदुओं के लिए कोई जगह है? नहीं, पार्टी का नाम तो खैर नाम, जैसे हिंदू महासभा अगर नाम हो तो उसमें कल्पना करेंगे कि उसमें जमीलुद्दीन भी हो? हाँ कर सकते हैं, कर सकते कि वो भी जो है चला जाए। लेकिन उसकी मानसिकता जब हिंदू महासभा है तो एक धर्म विशेष का नाम लेकर मानसिकता है जी, उसी अगर के तहत उसकी स्थापना है। अगर वो मैदान में उतर करके खुलेआम जो है मुसलमानों का विरोध कर रहा है तो मुसलमानों को चाहिए कि उससे किनारा हो जाए। चलिए, और कोई बोलना चाहेंगे इस पे चुनाव के लिए? इस चुनाव में जितना मैं समझ रहा हूँ आखिर में, जैसे एक बात खास बात क्या कही इन्होंने, और बहुत जगह किशनगंज में अलग अलग जगह या पूर्णिया में भी मैं गया, कि एक रात पहले फैसला करेंगे कि जो हराएगा बीजेपी को उसके लिए एकजुट हो जाएंगे। तो ज़रा मैं 2-3 लोगों से समझूंगा कि एक रात का फैसला वो कैसे होता है, कहाँ होता है और कैसे वो, अगर एक रात का फैसला, अगर एक रात का पहले सब एक तरफा फैसला हो तो कई बार बीच में दूसरे लोग निकलते हैं और वोट बढ़ते भी हैं, तो जरा समझेंगे वो ऐसा होता है क्या? जैसे यहाँ कैसे फैसला होगा एक रात? अब एक रात का फैसला का मानिए, आप जानते हैं अभी गांधी छाप चला हुआ है, नौजवानों को पागल करने के लिए वही एक रात है जिसको बोला जाता है कत्ल की रात। नौजवान लोग 3 बजे भोर में उठ के रोड पर बैठा रहेगा, आदमी लोग आएंगे कि पंछुइया थमा के हजरिया थमा के, उसी को बोला जाता है कत्ल की रात, आखिरी रात और सुबह रहे। ये कहना मैं भी सहमत नहीं, यहाँ होता है रात में ही होता है क्या? जितने बुद्धिजीवी हैं शहर के, जिनको हम लोग गार्जियन मानते हैं, वो सारे गार्जियन एक साथ हम लोग को खबर करते हैं, हम लोग कहीं कहीं पर जमा होते हैं कि एक वोट हम लोग बीजेपी के अगेंस्ट में किसको दें, वहीं फैसला होता है जगह जगह कि हम लोग को किधर जाना। अगर बोल दिए हमारे गार्जियन के कांग्रेस में जाना है तो कांग्रेस में जाएंगे, कह दिए कि MIM में जाना तो MIM में जाना। पहले हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, पहले ऑप्शन था कांग्रेस के अलावा कोई था नहीं, अब तो हमारे पास ऑप्शन आ गया है, MIM का भी आ गया। तो जो दोनों में से जो बेहतर होगा वो रात में हम लोग कल डिसीजन लेंगे। इंशाल्लाह देखिएगा बीजेपी के अगेंस्ट में एक तरफा ही वोट पड़ेगा, या कांग्रेस पे पड़े या MIM पे पड़े। चलिए, ऑप्शन नहीं है सर, ये खाई है, अब आप सामने देख रहे खाई, जाइए कूदिए, इसको ऑप्शन के तौर पे कभी ना। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन सीधा सीधी है सर, गठबंधन, तेज रफ्तार, तेजस्वी सरकार, वही है ऑप्शन और वही ऑप्शन पे हम लोग संतुष्ट हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे भारत में एक संदेश भेजना चाहता हूँ कि हमारा किशनगंज जिला एक अमन व अम्बान गंगा जमुनी तहजीब का जिला है। यहाँ से 1952 में राउत मल अग्रवाल मारवाड़ी इलेक्शन जीता, ठाकुरगंज से अनाकांत बासु ये सुभाष पाली में बंगाली वो इलेक्शन जीते, यहाँ से लखन लाल कपूर MP बने। कौन बोलता है कि हमारा किशनगंज जिला फिरका परस्त है? लेकिन बाहर के लोग आके यहाँ के लोगों को माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब करते हैं। 2014 में मोदी जी आए और 2014 में ओवैसी साहब आए, मुसलमान को थोड़ा दूसरे नज़र से देखा जा रहा है, पॉलिसी है नहीं देखा जा रहा, डिवाइड एंड रूल। और सारे नौजवान हमारे पत्रकार लोग एकदम एक नंबर हैं, सब बाकी लोगों को शामिल करते हैं। बाकी लोग, आप युवा हो, आप बताओ, इतनी देर से आप सुन रहे थे। यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि ओवैसी अगर आएगी, अगर जीतती है यहाँ से, तो वो लोग सरकार नहीं बना पाएगी। क्यों नहीं बना पाएगी? अगर जब 1984 में बीजेपी पहली बार यहाँ जब इंडिया में इलेक्शन लड़ी थी तो सिर्फ 2 सीट जीती थी, अभी तो थर्ड फ्रंट बना है बिहार में। अगर
इस बार अगर 4 सीट भी आती है, 16 सीट भी आती है, आने वाले टाइम में क्यों नहीं बन सकता हमारा सरकार? बनेगा क्यों नहीं बनेगा? यहाँ पे लोग पहले कांग्रेस यहाँ पे बस मुसलमानों को डरा करके ये बात कह करके कि बीजेपी यहाँ से जीतेगी और इसलिए हमेशा बीजेपी को वोट मिल जाता, मतलब कांग्रेस को वोट मिल जाता था। ये लोग करते हैं क्या, एक दिन पहले पूरा मार्केट में हल्ला चलाएंगे कि बीजेपी जीत जाएगा, कांग्रेस को वोट दो, बीजेपी जीत जाएगा, और फिर ये होता है कि सब कांग्रेस को वोट देते हैं। AMU का बात किया था यहाँ पे, 2000 जब इलेक्शन हुआ था सोनिया गांधी यहाँ पे आई थी और बोली थी यहाँ पे AMU खुलेगा, ठीक है? आज जाके देखी AMU एकदम कुछ नहीं है वहाँ पे। अभी राहुल गांधी जी यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि हम लोग जब इलेक्शन जीतेंगे तो AMU का काम करेंगे। 2 साल आपकी सरकार रही, आप इतना काम नहीं कर पाए, AMU नहीं बना पाए? ये सवाल हर दल के चुने हुए नेताओं पर होता है कि चुनाव के समय आप सबको वोट बैंक समझते हैं, आप सबको मतलब मतदाताओं को, और तरह तरह के वादे झुंझुने थमाते हैं। और मैं जानता हूँ AMU की क्या स्थिति है। इस बार भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा को लेकर रैलियों में बात की जा रही है, लेकिन वहाँ की स्थिति ये है कि जो वादा कई साल पहले किया गया, सरकारें बदलती रही, लेकिन वो इमारत आज भी खड़ी नहीं हुई। चलिए, और कोई बोलना चाहेंगे? महागठबंधन की सरकार इस बार चेंज होना चाहिए। नीतीश कुमार तो काम बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन वो गठबंधन में थे तो हम लोग सारे लोग चाहें कि उनको के, लेकिन ये चले गए बीजेपी के साथ, तो हम लोग बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हम लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो। युवा 10 लाख अभी बोले हैं, और वो जब उनका सरकार बन जाता है तो और भी बढ़ेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी। पढ़ लिख के युवा बेकार है, सब बैठा हुआ, इतना पैसा खर्चा करके गार्जियन भेजते हैं विदेश, पढ़ के यहाँ कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं है, खाली एक ये है कि मिलेगा नौकरी ऐलान कर देते हैं, कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये जो युवा हैं ये करेंगे, इनका हौसला। चलिए, अब ये बताइए, ये सब तो ठीक है, रोजगार की बात, युवा की बात, ये लगातार हम कर रहे हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि मतदान के वक्त सिर्फ ये रोजगार और युवा नहीं चलेगा, वहाँ ये भी चलेगा गठबंधन की तेजस्वी, NDA की फलां, उम्मीदवार ये वर्सेस वो। तो जरा उस पर खुल के बताइए कि तेजस्वी वर्सेस ओवैसी, उसमें क्या मुद्दा है और किसके पक्ष में क्या दलील है, वो भी जरा सुनने समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ओवैसी की पार्टी, हालांकि किसी ने कहा 21-22 सीट, लेकिन किसी ने मुझे बताया 17 सीट, तो 17 से 20 सीटों के बीच ओवैसी के उम्मीदवार सीमांचल में, क्या कहते हैं आप? मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस पतंग उड़ेगा, आप भी उड़िएगा उसमें। मैं उड़ूंगा, ये बस हम लोग बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? बिलाल। तो पतंग उड़ेगा, पतंग चुनाव चिन्ह है ओवैसी साहब का। मैं नहीं उड़ूंगा, मैं तो जमीन पकड़ के बैठ जाऊंगा। ना, इंसान उड़ता है, इंसान उड़ता, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। हमको मोहब्बत में लग रहा है ना, मोहब्बत हो गई ओवैसी साहब से। हाँ, चलिए, इनको ओवैसी साहब से मोहब्बत भी हो गया, ऐसे लोग भी हैं, चलिए अच्छी बात है। आप क्या सोचते हैं? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, युवाओं के लिए सोच रहा है ना, युवा सरकार चाहिए। गुस्से में क्यों जा रहे हैं सर? युवा सरकार चाहिए ना, युवा बहुत ये है सर, युवा सरकार चाहिए। आप क्या सोचते हैं, यहाँ मुद्दा क्या है? मुसलमान पूरे बिहार में एक ही मुद्दा है, क्या बेकारी कैसे दूर हो, महंगाई कैसे कम हो, और कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन वो रैली में जो MIM का भाषण हो रहा है, उसमें तो NRC की बात हो रही है, CA की बात हो रही है, उसमें योगी आके कह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगा देंगे। क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, वो अपना बंगाल समय, वहाँ हथरस भी हो रहा है, लेकिन कोई संभल नहीं रहा है। तो ये तो वाकया है, और बिहार क्या हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ नहीं है, वो हर हर बात को समझ रही है और देख रही है, जनता सब देखती है, वो देख रही है, फैसला अपना करेगी। क्या मुद्दा है मुसलमानों के लिए, मुस्लिम के लिए? हर दल के नेता आकर रैलियों में बहुत कुछ कह चुके हैं, यहाँ तो बहुत है कुछ देखे हैं, जोड़ा बैल से लेके अभी हाथ छाप तक देख लिए हैं, मगर मुद्दा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस जितना आदमी है गरीब को बस बेवकूफ। अफसोस कि हम लाए नहीं तो दिखलाते भी आपको हम कि कितना बड़ा बेवकूफ बनाया जाता है। वो देता है वृद्धा पेंशन 400 रुपया, आ काटता है 200 रुपया भेजने का, नहीं तो लाए नहीं, साथ में दिखा देते आपको, समझे ना? तो क्या मुद्दा रहेगा? तो चुनाव है, वोट चुनाव तो बस सबसे अच्छा अगर है तो लालू पार्टी, लालटेन छाप, तेजस्वी यादव, इसलिए कि बहुत अच्छा काम यहाँ किशनगंज का जो भी आदमी है इस इलाके का, सीमांचल का, ये देखा होगा कि जब से लालू सरकार का हुकूमत हुआ था, इसके पहले कुछ नहीं था, रोड नहीं था, साइकिल से आना मुश्किल था, जब वो आया तो रोड बन गया, आज उसको पीछे कर दिया। रोड तो 15 साल में नीतीश कुमार ने बनवाया, क्या बनाया, वही तो बनाया। अभी कहें कि लाए नहीं तो सरा हुआ अभी चलान आपको देते हैं हम, यही नीतीश कुमार दिया है, खाया हुआ गेहूं दिया नीतीश कुमार। ये वो तो मोदी जी भी भेजे होंगे कुछ, मोदी भेजे या वो गोदी भेजे, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको उससे मतलब नहीं है,
हम जिस हैं स्टेट में हम उसके जिम्मेवार हैं ना, हम ये जानना चाहते हैं। इसलिए सरकार अच्छा है। और कोई बोलना चाहेगा? और कोई अपनी बात? बोलिए कुछ बोलिए। चलिए और कोई अपनी बात। इस बार सर इस बार युवाओं का मन चेंज हो गया है। जो एजुकेशन का बात करेगा, जो डेवलपमेंट का बात करेगा, हम लोग उसके साथ है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। सब आप लोगों ने नारा रट लिया, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा है एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, जो सबसे खतरनाक मुद्दा है। चाहे सरकार मतलब सर एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो बिहार का सबसे पिछड़ा जिला आता है किशनगंज। सर जो भी किशनगंज का डेवलपमेंट की बात करेगा उसके साथ हम लोग इस बार है। भाई ये सवाल उठ रहा है कि MIM वोट काटने का काम करेगी, सीट दो मिले, तीन मिले, चार मिले, अधिकतम लोग ऐसा आकलन लगा रहे हैं। किशनगंज से पहले उपचुनाव जीत चुके हैं ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार, बाकी सीटों पर वोट काटेंगे और जो वोट काटेंगे वो गठबंधन का वोट होगा, ये बहुत सारे लोग यहीं कह रहे हैं। ये जो लोग जो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब जो है वोट काट रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये कांग्रेस लोग का अमित शाह ये देखिएगा किशनगंज में, कांग्रेस के जो अब MLA में जो उठे हैं उनका अभी किसी को नाम ही पता नहीं है कि MLA कौन है। बहुत सारे को हम पूछे कि MLA कौन है तो उसको बहुत सारे नाम नहीं पे, सिर्फ हाथ छाप देखते हैं वो वोट देते बस होंगे। और यहाँ के जो हमारे कमलुद्दा साहब जो है वो तो अभी कुछ महीने हुआ है बस वो उपचुनाव हुआ था, तो उनसे तो बहुत नाराजगी है कि पूरे कोरोना में कहीं नहीं दिखे वो। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नज़र तो आए, दिखे थे, चूड़ी पट्टी में देखे थे, चूड़ी पट्टी में देखे थे, लॉकडाउन कर रहे हैं सब कोई। अच्छा छोड़िए, उन पे छोड़िए। तो आपके क्वेश्चन का जवाब दे दे रहा हूँ सर। आपने जैसे कहा कि 8 महीने के अंदर एक बार भी नहीं घूमे किसी, हम भी यहीं पे थे। जैसे आप जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वोट काटने के लिए आ रहे हैं, इससे पहले दो जगह बस जीते, तो किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी जब कहीं भी जैसे आप BJP को देख लें, पहली बार उनकी भी दो ही सीट आई थी, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे बड़ी कभी नहीं हो पाएगी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारी तो अपनी एक पहचान होनी चाहिए ना, मेरी अपनी एक पार्टी होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली आज दो सीट लाए हैं, इस बार 20-15 सीट लाएंगे, फिर और आगे जाएंगे। ऐसे ही हर ये जैसे ये बढ़ती है, जैसे कह रहे हैं कि पिछड़िए, ये जैसे इनका कहना है कि ओवैसी की पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, अपनी पार्टी होनी चाहिए, इसलिए वो यहाँ चुनाव मैदान में उनकी पार्टी के उम्मीदवार हैं। आप ऐसे सोचते हैं या सारे मुसलमान भाई आपकी तरह यहाँ मुस्लिम लोग ही सोचते हैं कि नहीं? सवाल नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ओवैसी की पार्टी हो या किसी की पार्टी हो ऐसा कोई सोचता नहीं है। हम लोग के पास, मैंने बोला ना सर कि हम लोग के पास ऑप्शन नहीं था, उसी ऑप्शन को भर रहे हैं। इस जगह पे कोई दूसरा भी कोई ऑप्शन आ जाएगा तो उसको भरेंगे। कांग्रेस सिर्फ यही सोच रहा था, जिस तरह BJP सोचती है कि हम किसी को भी खड़ा कर दे एक तरफा हो जाएगा, उसी तरह किशनगंज के सीमांचल में, किशनगंज में कांग्रेस का ये घमंड था कि मैं किसी को भी खड़ा कर दूँ, लेंगड़ा लुल्ला को भी खड़ा कर दूँ तो वो जीत जाएगा। इस घमंड को तोड़ा गया है और इसीलिए इसको ओवैसी का पार्टी जीत गया। तो इस बार क्या होगा? इस बार वही तो बोले सर, कल रात देखा जाएगा कि महागठबंधन जीत रही है या ओबीसी की पार्टी जीत रही है। जो BJP को हराएगा उसको हम लोग वोट एक तरफा देंगे। कितने लोग ये जो कह रहे हैं, एक मिनट, ये जो कह रहे हैं इससे कितने लोग सहमत हैं? यहाँ कोई ऐसा है जो BJP का सपोर्टर है? जरा वो भी हम समझें, कोई BJP का सपोर्टर है? हमारे नजर में तो भाई नीतीश कुमार कोई भी गलत काम नहीं किया। चलिए ये नीतीश कुमार कोई भी गलत काम नहीं किया। माइक में नीतीश कुमार कोई गलत काम नहीं किया है। क्या गलत किया नीतीश कुमार? कोई भी है, कोई ऐसा गलत काम नहीं है। जहाँ तक जितना भी हुआ, आज रोड है, बिजली है, सब कुछ सही है। क्या क्या कमी किया वो नीतीश कुमार ने? क्या कमी किया सबसे पहला? ये एक बात इन्होंने कही, इनका कोई जवाब दीजिएगा। ये जो कहा नीतीश कुमार, नीतीश कुमार को मैंने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार को अगर इंडिविजुअल आते तो एक तरफा उनको हम लोग जिताते, वो BJP के साथ चले गए इसलिए उसका पत्ता यहाँ से खत्म हो गया। इंडिविजुअल आएंगे तो 100% वो जीत के जाते, क्योंकि उससे बढ़िया कोई मुख्यमंत्री नहीं है आज तक बिहार में नहीं मिला। ये बात तो है सर, ये इनके इनके इस बात से हम लोग सहमत हैं कि मुख्यमंत्री एज ए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, लेकिन वो अकेले आते तो। तो ये किशनगंज का चूड़ी पट्टी इलाका है, आपने तरह तरह के लोगों की बातें सुनी। अब मतदान होना है 7 तारीख को। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 6 की रात को फैसला करेंगे। क्या करेंगे फैसला? किशनगंज में। लेकिन अहम ये भी है कि सीमांचल की पूरी 24 सीटें, जहाँ
40 से लेकर 70 फीसदी तक मुस्लिम आबादी है। उन सीटों पर इस बार क्या होगा, मुसलमान बहुत कुछ तय करेंगे। अगर मुसलमान वोट बंटता है तो बहुत जगह एनडीए को कामयाबी मिलेगी, और अगर कहीं जैसा एक रात का जिक्र कर रहे हैं ऐसा कुछ होता है तो महागठबंधन को बहुत सीटों पर कामयाबी मिलेगी। पिछली बार महागठबंधन को इस इलाके में बहुत सीटें इसलिए भी मिली थी क्योंकि जेडीयू साथ था, इस बार जेडीयू उनके साथ नहीं है। अब बस मतदान का वक्त है, मतदान का इंतज़ार है, उसके बाद फैसला ईवीएम से निकलेगा। 10 तारीख को आपको भी पता चलेगा कि जनादेश क्या है। शुक्रिया, नमस्कार।